हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि लगभग हर साल पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सेम ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यही क्वेश्चंस जो है आपको तैयार करना, यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQ है बच्चों, अब हम उसको देखते हैं। तो बच्चों, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, अब हम उनको वन बाय वन, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रामर में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर वन है आपका, आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड्स। अब इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो क्या है, पार्क। तो पार्क क्या है बच्चों, देखिए जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, इनके नाम को पुकारते हैं, इनको कोई नाम दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं। तो पार्क देखो एक स्थान का नाम है, तो एक स्थान का नाम है पार्क, तो ये क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। आपको नाउन पे टिक कर देना है। ऑप्शन जैसे आपके पास चार रहेंगे, उसमें जो करेक्ट है वही आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वह फूल बहुत सुंदर है, हाउ मच डू दे कास्ट, और उनकी कीमत जो है क्या है। तो देखो बच्चों, इसमें अब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ढूंढना है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो ब्यूटीफुल शब्द आया है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शब्द किसके लिए आया है, ब्यूटीफुल शब्द आया फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या एक नाउन है, क्योंकि फूल एक वस्तु का नाम है, तो नाउन हो गया, और ब्यूटीफुल शब्द इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर हैं। तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं बच्चों, वो विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब हमें टिक करना है इसमें, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, एडवर्ब, चार हैं ऑप्शन, लेकिन ये हमारा जो ब्यूटीफुल है, ये फूलों की विशेषता यानी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर देना है, आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें से भी ढूंढना है। ही ड्रोव हिज कार वेरी स्लोली डाउन द माउंटेन रोड, यानी पहाड़ी जो सड़क है, ठीक है, पहाड़ी ढलान वाली सड़क, उस पर मैंने अपनी कार बहुत स्लो यानी बहुत धीरे चलाई, तो इसमें स्लोली शब्द आया है, ठीक। और स्लोली हमें अब बताना है कि कौन सा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो स्लोली यानी धीरे से, ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, कैसे मैंने कार चलाई, धीरे से, तो यानी चलाना वर्ब है, क्रिया है, और क्रिया को जो मॉडिफाई करता है यानी क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो अब हमें इसमें कौन सा ऑप्शन पे टिक करना है, क्रिया की विशेषता स्लोली शब्द बता रहा है ड्रॉप की, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, हमें एडवर्ब पे टिक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर चार है, क्या कह रहा है, जुलाई इज माय फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। बच्चों देखो, फेवरेट पे अंडरलाइन नहीं, लेकिन फेवरेट पे मैंने अंडरलाइन किया है। अब आपको बताना है कि फेवरेट कौन सा जो है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देखो, फेवरेट जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, फेवरेट मंथ, देखो मंथ क्या है, एक महीने का नाम है, ठीक है, महीने का नाम जब दिया गया है तो महीना हमारा नाउन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज को अगर नाम दे दिया गया तो वो नाउन होता है, और जब नाउन होता है, ठीक है, तो उसकी विशेषता जो भी शब्द बताएगा वो क्या हो जाता है, वो विशेषण होता है, क्योंकि देखो फेवरेट शब्द आपके मंथ की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो फेवरेट क्या हो गया आपका, नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो इसमें आपको एडजेक्टिव पे टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे ऑप्शन ऑप्शनल, वो टेंस से भी मिलेंगे, तो अब टेंस जो है आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, अब हमें इसको पहचानना है, ठीक है, अच्छे से। जैसे आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, मैं जो है सारा दोपहर काम करता रहा, ठीक है,
और अभी जस्ट मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया है या समाप्त किया है। तो अब ये बताओ बच्चों कौन सा टेंस हो सकता है, मैं सारा दोपहर काम करता रहा, ठीक है, तो काम करता रहा यानी पास्ट में। और देखो यहां जब समय भी बताए, काम करने का टाइम भी दिया रहे और जब काम जारी भी रहे तो वो होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ये पास्ट में आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो मैं सारा दोपहर काम करता रहा और अभी मैंने समाप्त किया है, तो मेरा जो काम था वो पास्ट में जारी था, तो ये हो जाएगा हैड बीन, ठीक है बच्चों। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, तो इसमें जो है आपका ये हैड बीन यहां फिल होगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला देखते हैं बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन है आपका टेंस से, सीता और हर ब्रदर्स टू बी ब्लेम्ड, सीता या फिर उसके भाइयों को जो है ब्लेम किया गया, उन पर इल्जाम लगाया गया, तो या तो फिर सीता या उनके भाई। अब हमें इसमें वर्ब ढूंढना है कि कौन सा वर्ब होगा, तो वर्ब आपके पास है इज, एम, आर और वाज। तो इज तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां सीता, अगर सीता है तो वो एक वचन है, लेकिन उसके भाई आ गया तो बहुवचन हो गया, तो इज तो होगा नहीं। एम भी नहीं होगा क्योंकि आई के साथ एम लगता है। आर, देखो सीता आर हर ब्रदर्स बहुवचन है और उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, तो यहां आर होगा, ठीक है आर। वाज हो नहीं सकता क्योंकि वाज एक वचन है, यहां जो है बहुवचन आया है, बहुवचन नाउन के साथ बहुवचन क्रिया होनी चाहिए, तो बहुवचन क्रिया क्या है आर, ठीक है, तो हम आर पे जो है टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द सेंटेंस विथ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूछ रहा है। टेंस से अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे जो है टिक करना है आपको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जिसको आती है वो तुरंत टिक कर देगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव और शैल हैव, ठीक है, विल हैव और शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे दिया गया है दे शैल हैव रीच्ड बाय देन, ठीक है, दे शैल बी अराइविंग, तो एक शैल बी अराइविंग यानी शैल बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस हो गया, शैल अराइव इंडेफिनिट हो गया और शैल हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपका पहला ऑप्शन है फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि देखो विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक B3, तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बच्चों आप लोग कहोगे कि सेल तो आई और वी के साथ यूज होता है, लेकिन यहां दे के साथ क्यों सेल लगा है, सेल है। तो बच्चों जब किसी काम पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, बाध्य किया जाता है या कोई दृढ़ निश्चय किया जाता है, यानी फोर्सफुली जब वो काम होता है, तो वहां पे जो वर्ब होती है वो एक्सचेंज हो जाती है। जहां पे विल लगता है वहां उसकी जगह हम सेल लिख देते हैं, और जहां सेल लगता है उसकी जगह पे हम विल। तो काम की जब अनिवार्यता होगी, बाध्यता होगी या काम फोर्सफुली होगा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज हो जाती है। तो दे के साथ सेल लगा है ये भी एकदम करेक्ट है। तो सेल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आएगा आर्टिकल से। आर्टिकल्स आपके कौन कौन से हैं, ए, एन और द। ए, एन और द ये आर्टिकल्स होते हैं, इनको डिटरमिनर्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपका है ही हैज ऑलवेज बीन, अब हमें यहां फिल करना है आर्टिकल में से, तो ही हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड बॉय, इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं, ए, एन, द या फिर कुछ भी नहीं, तो हम यहां पे फिल करेंगे ए और ए पे टिक कर देंगे, क्योंकि वह एक जो है बहुत अच्छा लड़का, हमेशा एक अच्छा लड़का रहा है, तो ही हैड ऑलवेज बीन ए वेरी गुड बॉय, ठीक है, तो ए पे हम टिक कर देंगे आर्टिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे भी देखो बच्चों हमें फिल करना है क्या, आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स। तो लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम होते हैं, और वैसे भी प्रेसिडेंट क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन से पहले हम यूज करेंगे द, एन हो नहीं सकता, आर्टिकल फिल करना है ए हो नहीं सकता,
तो यहाँ पे हम द को फिल करेंगे. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक. क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ये एक नाम है और कौन सा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है, तो आपका आर्टिकल द हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. चलिए, ये इसमें भी आर्टिकल आपको चूज करना है. ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 80 माइल्स पर आवर. ठीक, अब आवर लिखा है, ये यच है तो यच साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे आवर. तो देखो बच्चों, जब किसी भी कोई भी वर्ड हो और उसका प्रोनंसिएशन वॉबल हो, प्रोनंसिएशन जो है क्या हो, वॉबल हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट ना हो, बेशक वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उससे नहीं मतलब है, अगर उसका प्रोनंसिएशन वॉबल हो तो वहां पे ए और एन में से एन को चूज करते हैं. तो ये देखो आवर लिखा है, भले ही यच से स्टार्ट है लेकिन इसका प्रोनंसिएशन क्या है, एक वॉबल है. आ, आ एक स्वर है कि नहीं है, तो जहां पे स्वर स्वर की ध्वनि आएगी वहां पे हम किसको टिक करेंगे, आयन को. तो क्या लिखा हो जाएगा, ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 80 माइल्स पर आयन आवर. ठीक है बच्चों, तो आयन हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो प्रोनंसिएशन है जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो उसकी जो ध्वनि है वो स्वर में आती है, व्यंजन में नहीं आती है, तो जब ध्वनि स्वर निकलेगी तो आपका आयन होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यानी ऐसे आपको सेंटेंस वर्ड कई सारे जो दिए रहेंगे उल्टा पुल्टा और आप उनको रीऑर्डर करेंगे और शुद्ध करेंगे. तो देखो रीऑर्डर करना है यानी क्वेश्चन जो है शब्द आपके इधर उधर रहेंगे उनको सही तरीके से करना है. जैसे एक्सरसाइज फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज. अब इतने सारे वर्ड हैं, हम इनको ऐसे अरेंज करें कि इनका एक मतलब निकले और हमारा वाक्य शुद्ध हो जाए. तो क्या लिख सकते हैं, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, अच्छा होता है. तो कहां पे लिखा है, देखो डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, आप इस पे टिक कर दो. ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक नंबर कंफर्म हो गया. उल्टे पुल्टे वर्ड आएंगे, ठीक है, उनको आपको करेक्ट अरेंजमेंट करना है और जब अरेंजमेंट हो जाएगा तो उनका एक मतलब निकलेगा, एक अर्थ निकलेगा और तभी आपका जो है सेंटेंस वो करेक्ट होगा. तो डूइंग एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. चलिए नेक्स्ट है, सिलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग. इसमें जो जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है ऐसे वर्ड को हमें चूज करना है. तो देखते हैं बेनिफिटेड लिखा है, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, तो बी ई एन ई एफ आई टी डी ये नहीं सही है, बी ई एन आई, एन आई होता ही नहीं ये भी गलत है, बी ई एन आई ये भी गलत है, बी ई एन ई एफ आई डबल टी ई डी ये आपका सही है. ठीक है, तो बेनिफिट का जो पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का वो बेनिफिटेड होता है और जब उसका पास्ट लिखेंगे तो डबल टी हो जाता है. तो बेनिफिट में देखो डबल टी और ईडी, ठीक है, तो वी ई एन ई एफ आई डबल टी ई डी ये आपका करेक्ट है. ठीक है, तो यहां भी आपका एक नंबर क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड. यहां कुछ शब्दों का समूह दिया गया है, उसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा वर्ड रॉन्ग है, कौन सा वर्ड यानी गलत है जिसका कोई मतलब ही नहीं है. तो देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. पहला वर्ड दिया गया इंपरेटिव, स्पेलिंग देखो आई एम पी आर ई टी आई वी ये एकदम सही है. ठीक है, इंपरेटिव एकदम सही शब्द है. ठीक है, दूसरा देख लो, डबल आई फिर आई और सी आई टी, कोई वर्ड आज तक ऐसा नहीं कि जिसमें ट्रिपल आई एक साथ आया हो. तीसरा देख लो इमिनेंट, आई डबल एम आई एन ई एन टी, इमिनेंट ये भी सही है. ठीक है, और चौथा आई मेच्योर, ठीक है, इमेच्योर, इमेच्योर मीन्स क्या होता है, अपरिपक्व. इमिनेंट मीन्स क्या होता है, अप्रिय यानी कट वचन. इंपरेटिव मीन्स क्या होता है, आदेशात्मक. तो तीनों का तो मतलब निकल रहा है. इसमें जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तीन आई एक साथ में आए हैं और इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, इसकी स्पेलिंग गलत है. तो हमें क्या चूज करना है, जो रॉन्गली स्पेल्ड हो यानी जो गलत हो, तो हमारा ये शब्द हो जाएगा. ठीक है,
ये सब सही तरीके से हैं, ये सारे शब्द जिनका अर्थ निकल रहा है ये सारे वर्ड सही हैं, जो रॉन्गली स्पेल्ड है वो ये आपका वर्ड है, इसमें हमें टिक कर देना है। ठीक, तो हमारा यहाँ एक नंबर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, द यंग बॉय रैन अवे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। कह रहा है कि जो छोटा बच्चा था वो भाग गया, इसमें हमें एडजेक्टिव चूज करना है। तो देखो बॉय, बॉय आपका क्या है, नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि एक लड़का है, और जिस भी व्यक्ति या वस्तु को नाम दे दिया जाए वो नाउन होता है, और इस नाउन को कौन सा शब्द जो है मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा शब्द इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो देखो यहां लिखा है यंग बॉय, छोटा लड़का, यानी छोटा शब्द जो है वो इस बॉय को यानी लड़के को मॉडिफाई कर रहा है। तो छोटा लड़का ये आपका क्या है, यंग एडजेक्टिव है, द इसमें दिया गया है, द आपका आर्टिकल है, ठीक है, यान कोई इस वर्ड ही नहीं है, अबे कोई जो है ये एडजेक्टिव ही नहीं है, तो हमें किस पे टिक करना है, यंग, यानी यंग शब्द क्या है, इस बॉय की विशेषता को बता रहा है, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका यंग वर्ड जो है ये एडजेक्टिव हो गया, तो हमें यंग पे टिक कर देना है, ये यहां भी आपको एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 15 देखते हैं। ठीक है, 15 है, इज सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब पहचानना है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में वर्ब बताना है कि यानी काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या है, एक्शन वर्ड क्या है। तो इज सी लिव्स, क्या वह मुंबई में रहती है, ठीक है, अपनी पढ़ाई के लिए। देखो यहाँ स्टडीज शब्द भी आया है, लेकिन यहाँ स्टडीज जो है इसका मतलब होगा पढ़ाई, इसका मतलब पढ़ना नहीं होगा, तो पढ़ाई जो हो गया वो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और रहना, यानी जो शब्द कार्य कर रहा है, इसमें क्रिया क्या है, रहना, तो रहना यानी लिव, तो लिव आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो इस पे टिक कर दो। ठीक है, लिव, लिव्स पे आप टिक कर दो। स्टडीज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हर आपका प्रोनाउन है, मुंबई आपका जो है प्रॉपर नाउन है, तो आपको वर्ब पे टिक करना है, वर्ब आपका है लिप्स, लिप मींस रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें आपको जो है फिल करना है या पहचानना है प्रीपोजिशन, जैसे ही इज सफरिंग फीवर, यहां बीच में जो है प्रीपोजिशन फिल करना है, सफरिंग और फीवर। तो देखो बच्चों, जब कोई बीमारी, किसी बीमारी से हम पीड़ित होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या फिल करते हैं, फ्रॉम, और जब बीमारी का नाम दिया गया होता है तो ऑफ। लेकिन यहां देखो बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा कि कौन से बुखार से, मलेरिया से हैं, डेंगू से हैं, या फिर टाइफाइड से हैं, तो बीमारी का नाम नहीं, बीमारी दिया गया कि बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन बीमारी का नाम नहीं है। तो जब भी किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो वहां पे आपको प्रीपोजिशन फिल करना होता है, फ्रॉम। तो प्रीपोजिशन इसमें क्या है, देखो इन है, एट है, फ्रॉम है, विथ है, तो हमें फ्रॉम पे टिक कर देना है। जब किसी भी बीमारी से पीड़ित होता है कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर, तो वहां बीमारी से पीड़ित होने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, द बॉय हेल्प्ड टू द ब्लाइंड मैन, इसमें आपको पहचानना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक, तो एडजेक्टिव पहचानना है, एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव क्या है। तो देखो द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, मैन आपका क्या है, नाउन है, और इस नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि नाम है व्यक्ति को मैन कहा जाता है, तो व्यक्ति को जब मैन कहा जाता है तो मैन को कौन सा शब्द जो है क्वालिफाई कर रहा है, ब्लाइंड, यानी मैन की विशेषता ब्लाइंड शब्द बता रहा है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, द आपका आर्टिकल हो गया, ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, हेल्प्ड आपका वर्ब हो गया, बॉय आपका नाउन हो गया, तो हमें एडजेक्टिव पहचानना है, और एडजेक्टिव है ब्लाइंड, ब्लाइंड पे हम टिक कर देंगे। तो यहां से बच्चों देखो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है, यहां भी हमारा एक नंबर कंफर्म हो गया है। ठीक है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन आज से ही पूरा नोट कर लेना है, इसको पूरा एकदम प्रिपेयर करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, माई फ्रेंड इज
हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है, माई फ्रेंड इज हार्ड वर्किंग मैन, इसमें आइडेंटिफाई द वर्ब, मेरा मित्र जो है बहुत ही मेहनती आदमी है, तो इसमें आप वर्ब को पहचानना है, ठीक है, तो वर्ब क्या होगा इसमें, देखो माई फ्रेंड ये तो आपका नाउन है, ठीक, हार्ड वर्किंग मेहनती ये भी नाउन है, ठीक है, कैसा आदमी है मेहनती, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसमें वर्ब क्या है इज, देखो बच्चों इसमें ऑप्शन इज नहीं दिया गया, वर्किंग दो बार है, एक को कट करके यहां इज लिख लो, इज, तो आपका इज जो है वो सही है। आप कहोगे सर वर्किंग में आईएनजी लगा है, बच्चों कोई जरूरी नहीं कि किसी वर्ब में आईएनजी लगा दो तो नाउन हो जाए, वो जीरंड का भी काम करता है, वो पार्टिसिपल का भी काम करता है, ठीक है, वो नाउन का भी काम करता है, तो यहां पे जो हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग ये आपका वर्ब नहीं, इसका मतलब होता है मेहनती, यहां कोई काम करना नहीं हुआ, तो ये इसीलिए वर्किंग आपका वर्ब नहीं है, आपका वर्ब है इज, तो आपको इज पे टिक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, यहां पे आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, तो इट हैज बीन रेनिंग, जब हैज बीन, हैव बीन और वर्ब का एनजी फॉर्म लगता है, ठीक है, उसके बाद हमें सिंस या फॉर लिखना होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस या फॉर लिखते हैं, तो देखो ऑप्शन क्या है आपका, फ्रॉम, सिंस, फॉर, बाय, अब लास्ट में क्या है, मॉर्निंग, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है यानी निश्चित समय, उसके लिए हम सिंस लिखते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम यानी जो लेंथ को दर्शाता है टाइम के, उसके लिए फॉर, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, सुबह से, ठीक है, ये निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस पे टिक कर देंगे, ठीक है, यहां से आपका एक नंबर कंफर्म हो गया। तो ध्यान रखना कि जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, ठीक है, तो वहां पे सिंस लिखना है, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तो वहां पे फॉर लिखना है, यानी जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस, जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर, तो निश्चित समय है इसलिए हमने यहां पे जो है सिंस पे टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है द गंगा इज ये होली रिवर, द गंगा इज ये होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहचानना है, सबसे पहले एडजेक्टिव पहचानने के लिए आप नाउन पे जाओ, रिवर, रिवर आपका कॉमन नाउन है क्योंकि सभी नदियों को हम रिवर कहते हैं, तो जो होली यानी पवित्र शब्द आया है वो किसके लिए आया है, रिवर के लिए, या फिर ये आपका नाउन है गंगा, प्रॉपर नाउन, गंगा को भी ये मॉडिफाई कर रहा है, ये होली शब्द दोनों शब्दों को मॉडिफाई, दोनों शब्दों को क्वालिफाई कर रहा है, कौन पवित्र नदी है, गंगा ही तो पवित्र नदी है, तो गंगा यानी नाउन की विशेषता होली वर्ड यानी होली शब्द बता रहा है, इसलिए होली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। रिवर आपका कॉमन नाउन है तो इसको नहीं लिखेंगे, ए आपका आर्टिकल है इसको भी नहीं लिखेंगे, इस पर भी नहीं टिक करेंगे, इज आपका वर्ब है इस पर भी नहीं टिक करेंगे, तो होली ये आपकी गंगा की विशेषता बता रहा है, तो होली यहां पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये जितने भी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों, मैंने एक एक करके आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है, आप इनको नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में श्योर है, इनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।